आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, स्पेशली ये 8 और 9 मंथ में होते हैं प्रेगनेंसी की, कि अचानक से बच्चे की मूवमेंट बंद हो जाती है और होने वाली माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। जब तक उन्हें ये बात का एहसास होता है कि उनका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम बीत चुका है, जब तक वो दौड़ के डॉक्टर पास जाते चेक करवाते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती, चीज़ें टोटली चेंज हो चुकी होती हैं। किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो, ये जिनके साथ होता है उनका उनका तो उनकी तो तकलीफ़ हम समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये सुनने में भी वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस दिन से बच्चा घर में आता है, हर एक दिन इस इंतज़ार के साथ बीतता है कि हम कब अपने बच्चे को देखेंगे, कब ये टाइम पूरा होगा, कैसा दिखता होगा हमारा बेबी। हर एक दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ें घटित हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है सुनने में भी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खास टिप बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चे की मूवमेंट और किक को चेक करते रहना है। बेहद ज़रूरी होता है इस मामले में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस मुझे सुनने को मिल रहे हैं। कुछ मैं आप लोगों के थ्रू सुनती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन वही बताते हैं, और कुछ मैं अपने आसपास मैंने सुने हैं। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं ऐसे कुछ टिप्स खास शेयर कर सकूँ, जिससे कि अगर बच्चे की मूवमेंट आपको नहीं हो रही तो आप घर पे ही पहले चेक कर सकते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रही तो आप आगे क्या स्टैंड ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी कोई भी लेडी जिन्हें आप जानते हो जो प्रेग्नेंट हैं, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से उनको भी अवेयरनेस हो जाएगी, वो भी अपने टाइम टू टाइम अपने बच्चे की मूवमेंट और किक को चेक करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। पहली चीज़ जो आपको करनी है कि पहले तो आप जब से बच्चे की मूवमेंट किक स्टार्ट शुरू हो जाए, पहली प्रेगनेंसी आपकी, तो बच्चा 6वें महीने से किक करना शुरू करता है। 6 मंथ से पहले मूवमेंट स्टार्ट होती है, फिर किक शुरू होती है। अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आपके 4th मंथ के लास्ट में या फिर 5 मंथ की एकदम शुरुआत में बच्चे की मूवमेंट और किक आपको पता चलने लगी। हो सकता है ये और जल्दी हो जाए, 3रे महीने से भी हो सकता है। अब बच्चा एक बार मूवमेंट किक शुरू कर देता है तो पूरा डिलीवरी तक करते रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में एक्टिव होते हैं, वो बहुत मूवमेंट की करते हैं, बहुत तेज़ तेज़ किक करते हैं, कि इवन पेट के ऊपर से दिखता है कि बच्चा किक कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वहीं कुछ बच्चे थोड़े से लेज़ी टाइप के होते हैं, उनकी मूवमेंट की कम होती है। तो जब बच्चे की मूवमेंट किक शुरू हो जाए, तो आप इस बात को ऑब्जर्व करिए कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है गर्भ में, वो कितनी तेज़ किक करता है, कितनी कितनी देर पर किक करता है। किक हल्की होती है, तेज़ होती है, कितनी मूवमेंट होती है, सब कुछ एक बार आप समझ लेंगे तो आपको फिर पूरी प्रेगनेंसी आसानी होगी। अब जब बच्चे की मूवमेंट किक शुरू हो गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गर्भ में सोते भी हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे वो किक नहीं करते हैं, ऐसा कई बार होता है, मूवमेंट नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में बच्चे तो सो रहे हैं, लेकिन हमें चिंता हो जाती है कि बच्चा क्यों नहीं किक कर रहा, क्यों नहीं मूवमेंट कर रहा। कई बार मुझे भी अपनी प्रेगनेंसी में हो जाती थी इस बात की बहुत टेंशन, क्योंकि मैंने उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रखे थे, तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी। तो किक और मूवमेंट को चेक करने के लिए जो मैं उपाय करती थी, वही मैं आपके साथ अपने अनुभव के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली टिप जो आपको कर रही है कि अगर बच्चा मूवमेंट किक नहीं कर रहा बहुत देर तक, तो आपको अपने हाथ से, जैसे आप बच्चे को सोते हुए बच्चे को सहलाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने हाथ से अपने पेट को, पूरे बेबी बम को अपने से अच्छे से सहलाना है, दोनों हाथों से खूब अच्छे से सहलाना है पूरे हाथ से। ऐसा आपको 7 से 10 मिनट तक करना है। आप 5 to 10 मिनट इतना करते हैं तो अगर बच्चा सो भी रहा होगा तो वो उठ जाएगा और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक है। पहली टिप। दूसरी टिप कि आपके जो फिंगर्स के पोर्स हैं, इनसे आपको प्रेस करना है, प्रेशर लगाना है अपने बेबी बम पे। जब आप ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा, इससे भी वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं 2 से 4 मिनट आप भी करेंगे, तो भी बच्चे की मूवमेंट की स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी टिप कि ये सब तो करने के साथ ही आपको कुछ स्वीट्स, कुछ मीठा खाना है, कोई भी मिठाई हो आपके घर में आप ले सकते हैं, या फिर मीठा नहीं है तो आप गुड़, जगेरी होता है वो ले सकते हैं, थोड़ी चीनी ले सकते हैं, या फिर मिश्री ले सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल हो आप खा सकते हैं। प्रकृति का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो बच्चा जो है, बच्चे तक वो मीठी मिठास पहुँचती है और बच्चा तुरंत मूवमेंट और किक शुरू कर देता है। तो ये 3 उपाय आपको करने हैं, इससे बच्चे की मूवमेंट किक शुरू हो जाती है। इतना करने के बाद आपको आधे घंटे 1 घंटे वेट करना है। इतना वेट करने के बाद भी अगर बच्चा मूवमेंट किक नहीं कर रहा है, तो आपको सीधे अपने डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना है। बाई चांस कि अगर आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं, शहर से बाहर हैं, मिल नहीं सकते, तब क्या करें, वेट नहीं करना है तब भी आपको।
आपको जाके खुद से सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराना है अपने पेट का। बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है, हार्ट बीट वगैरह डॉक्टर देखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है वो तुरंत टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। आपको बैठ के वेट नहीं करना, ना लौट के घर आने की डॉक्टर नहीं मिली अब हम कल जाएंगे, ये वो कुछ नहीं। तुरंत जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो किसी नेक्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपके नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, उनसे चेकअप करा सकते हैं, लेकिन इंतज़ार मत करिए अपने डॉक्टर का। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी बता दी कि अगर आपके डॉक्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के साथ सिचुएशन हो जाती है। तो पहले जो उपाय आप घर में कर सकते हैं वो करिए, उसको करने के बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इतना करके देखिए बच्चे की मुँह में टॉकिक शुरू हो जाएगी। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपकी हेल्प हो जाए तो, ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं खास वीडियो में, तब तक के लिए बब बाय, सी सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।